नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आरओ एआरओ 2016 जिसकी पुनः परीक्षा 3 मई 2020 को निर्धारित की गई है, और आज जो वीडियो बना रहे हैं वो हिंदी से है, और हिंदी में चैप्टर का नाम है तस्तम एवं तद्भव, और यह भाग 5 है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें गधा का तस्तम रूप है। गधा का तस्तम रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गदर्भ। क्या है? गदर्भ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिय का तद्भव शब्द है प्रिय। तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, पिया। यानी पिया तद्भव शब्द है प्रिय का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तस्तम शब्द नहीं है? इसमें तस्तम शब्द नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ने। ने जो है तस्तम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका आंसर होगा ए, पंख। पंख जो है तद्भव शब्द है। अगर इसका तस्तम रूप लेंगे तो इसका हो जाएगा पक्ष, पंख का पक्ष हो जाएगा, क्योंकि ख छ में बदल जाता है। तो यहाँ तद्भव पूछा है तो पंख हो जाएगा, अगर यही तस्तम पूछता तो यहाँ पर पक्ष हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन इसमें तद्भव है? तो इसका आंसर होगा बी, नीडर। नीडर जो है तद्भव है। तस्तम में देंगे तो तस्तम में इसका हो जाएगा निर्डर, तस्तम में, और तद्भव में नीडर। ये तद्भव पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पक्ष का तद्भव रूप है। तभी बताएं ऊपर क्वेश्चन था ये, पक्ष का तद्भव रूप। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? पंख। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से तस्तम शब्द कौन सा है? तस्तम शब्द कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर होगा बी, सप्तसती। सप्तसती जो है तस्तम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? तो इसका आंसर होगा डी, कोयल। कोयल शब्द जो है तद्भव है, जबकि अगर तस्तम में इसको लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कोकिल। तस्तम अगर पूछेगा तो कोकिल हो जाएगा कोयल का। तो यहाँ पर तद्भव पूछा है तो कोयल तद्भव शब्द है, और अगर इसी में तस्तम रूप में प्रयोग करेंगे तस्तम तत्सम में तो ये कोकिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तस्तम रूप है। नया का तस्तम रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नव्य। नया का नव्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से तस्तम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है इसमें? ये पूछ रहा है इसमें, तो शुद्ध रूप है इसमें, आंसर होगा बी, पृष्ठ, पन्ना। पृष्ठ जो है तत्सम है और पन्ना जो है तद्भव है, ये शुद्धतम रूप है इस चारों ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्सम। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रस्तुत प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं क्या? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तत्सम,
तो इसमें से होगा आंसर होगा डी तीर्थ। तीर्थ जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी का तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी अग्निष्ठिका। क्या होगा? अग्निष्ठिका। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सूरज। सूरज जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तत्सम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए आँख। आँख जो है तत्सम नहीं है, आँख शब्द जो है तद्भव है। अगर तत्सम होता आँख का तो ये हो जाता अच्छी, यानी ख में छत्री से बदल जाएगा अच्छी, तो ये हो जाएगा आपका तत्सम। तो इसमें तत्सम नहीं पूछा है, तो ये तत्सम नहीं है, क्योंकि आँख जो है तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें पूछा है तत्सम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी कपूर। कपूर जो है तत्सम नहीं है। तो ये तत्सम में अगर इसको लिखा जाएगा तत्सम क्या होगा कपूर का, तो ये हो जाएगा कर्पूर। कर्पूर ये होगा, ये तत्सम होगा। यहाँ पर कपूर दिया है, कपूर तत्सम नहीं है, कपूर एक प्रकार का जो है तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी मुख। मुख जो है तत्सम शब्द है। अगर तद्भव में इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा मुंह, मुंह हो जाएगा तद्भव, और यहां पर तत्सम पूछा है तो मुख है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, कौन शब्द इसमें तद्भव है? इसका आंसर हो जाएगा डी भावरा। भावरा जो है तद्भव शब्द है, जबकि अगर तस्तम में इसको देखेंगे तो इसका हो जाएगा भ्रमर, तस्तम में भ्रमर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंगार शब्द का तस्तम है, सिंगार शब्द, तो सिंगार शब्द का तस्तम होगा श्रृंगार, यानी सी इसमें सही होगा, सिंगार। ये सिंगार जो है तद्भव है, और इसी का तस्तम पूछ रहा है तो सिंगार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हल्दी शब्द का तस्तम रूप है, तत्सम हल्दी शब्द का, इसका आंसर हो जाएगा हरिद्रा। हरिद्रा जो है तस्तम शब्द होगा, हल्दी तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खंडहर का तत्सम शब्द है, खंडहर इसमें पूछा है, तो इसका तस्तम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी खंडगृह। खंडगृह तस्तम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवर का तस्तम शब्द है, देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी दीवर, देवर का दीवर। क्वेश्चन नंबर 23 है, देवर का तस्तम रूप है, इसका भी आंसर हो जाएगा ए द्विवर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी मृक्षण, मक्खन का मृक्षण, या इसे मंथज भी कह सकते हैं, मक्खन का तत्सम या मृक्षण या मंथज, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इनमें से कौन तत्सम शब्द है? तो दिन जो है तत्सम शब्द है, दिन, जबकि दिवस जो है, दिन तथा दिवस तत्सम शब्द में आते हैं, तो यहां पर दिन दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पीपल शब्द का तस्तम रूप है, पीपल शब्द का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पीपल का पीपल,
पीपल का पीपल। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, इसमें तद्भव शब्द नहीं पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा खरपर। क्या होगा? खरपर, ये तद्भव शब्द नहीं है। अगर तद्भव में खरपर को देखा जाए तो इसका हो जाएगा आंसर खपटा। क्या होगा? खपटा, यानी खरपर जो है तत्सम शब्द है खरपर, और यहाँ पर तद्भव नहीं पूछा है, तो तद्भव अगर देखेंगे खरपर का तो ही हो जाएगा खपटा। क्या होगा? खपटा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटि पूर्ण है, तो इसमें होगा आंसर दही दही, दही दही, ये जो है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि दही तद्भव है और दधि तस्तम है, तो यहाँ पर जो है तस्तम शब्द में दही दे दिया है, फिर तद्भव में दही दे दिया है, तो ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, नीचे दिए गए तस्तम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें भी त्रुटिपूर्ण ही पूछा है, तो ये हो जाएगा आंसर बी कपाट कपड़ा, यानी कपाट तस्तम है लेकिन कपड़ा जो है तद्भव शब्द है, तो इसमें युग्म त्रुटिपूर्ण दिया गया है, यानी तस्तम यहाँ जो है कपाट की जगह पर जो है करपट होना चाहिए, कपाट नहीं है यहाँ पर, करपट होना चाहिए तस्तम के रूप में, और यहाँ पर दे दिया है कपाट, तो ये त्रुटिपूर्ण है बी। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के आधे से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।